मैम वाइन्स के लिए तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सब्सिडी दे रखी है, आपको वाइन्स यहाँ पे बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल जाएंगी। 350 से हमारी वाइन स्टार्ट है, अप टू 550 तक है। जैसे एप्पल प्लम पेयर वाइन लेंगे आप एचएमसी की, और गवर्नमेंट ने लोकल वाइनीज को प्रमोट करने के लिए वाइन्स के लोकल लाइसेंस दे रखे हैं। वी कांट सेल आउट ऑफ स्टेट वाइन्स, सारी की सारी वाइन्स हिमाचल में बनती हैं और यहीं पर बिकती हैं। हम लोग ना कसौली से धर्मपुर वापस आ रहे थे, तो हिमाचल में सबसे इम्पॉर्टेंट है हिमाचल के ओरिजिनल ऑथेंटिकेटेड फूड प्रोडक्ट्स। सो अब हम एक शॉप पे हैं जो कसौली से धर्मपुर के रास्ते में है, और हम यश सर के साथ हैं। तो यश सर के पास HPMC के भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, और HPMC के प्रोडक्ट्स कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप और NGOs के थ्रू ही रन होते हैं। पहले ये NAFED में थे और उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड ये एक बड़ा ग्रुप बन गया जो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है हिमाचल में, और बाकी चीज़ें हम यश सर के साथ जान। हमारे यहाँ पे सारे के सारे हिमाचल के लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें HPMC है, मिंचीज है, वेल्स आती है कंपनी जंबा से, सारे के सारे ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं। सो अभी मेरे को यश सर ही बताए थे कि पहले यहाँ पर हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स का वेस्टेज हुआ करता था, लेकिन फिर ये एक इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, लोगों को रोज़गार भी मिला, कल्चर प्रमोट भी हुआ, और साथ ही उन्हीं फूड्स को प्रोसेस करके यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो उन्हीं में से कुछ प्रोडक्ट्स हमारे सामने ये रहे। मोस्टली ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो उस जिस जगह के हैं उस जगह की एक्सक्लूसिविटी दिखाने के लिए उसी की जगह के नाम पर रखा है, जिसकी भूरा भूरा एक गाँव है और उसी के बेस पर ये प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। ये एक तरह का गिफ्ट पैकेज जिसमें जैम्स भी है और चटनीज भी हैं, मामलेट्स भी है। तो अगर आपको किसी को गिफ्ट भी करना है तो आप यहाँ पर आके इस जाम चटनी और मामलेट का ये गिफ्ट पैक भी ले सकते हैं। तो इसके बाद हम आपसे पूछते हैं कि और क्या क्या एक्सक्लूसिवली है यहाँ पर HPMC में जो कि आप दिखाना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को। मैम लोकल पिकल्स बड़े अच्छे आते हैं, जैसे मशरूम पिकल है, यहाँ पे आप खड़े हैं डिस्ट्रिक्ट सोलन में आते हैं, सोलन इज द मशरूम सिटी ऑफ इंडिया, मशरूम पिकल यहाँ का फेमस है। मैम ये चंबा की चुक फेमस आती है, ये चंबा से ही आता है, ये एप्पल साइडर विनेगर है, ये विद मदर है, ऑर्गेनिक है, नॉन फिल्टर्ड है, सो गुड फॉर हेल्थ। फिर लोकल HPMC की वाइन्स आती हैं, वाइन्स में कल्पा वाइन फेमस है हमारी रेड वाइन में, देन इज अ फ्लावर वाइन रोडोडेंड्रॉन। सर ये कल्पा वाइन, कल्पा कोई जगह है या हिमाचल? कल्पा मैम जगह है हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। अच्छा, तो उनके नाम वहाँ के नाम से ये कल्पा वाइन फेमस है। बीच में जगह के नाम को भी प्रमोट कर दिया है, बीच में वाइन की प्रोडक्शन गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी, बस लास्ट ईयर से प्रोडक्शन में दोबारा कंपनी आई है, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड आफ्टर दैट। फिर ये भूरा जैम्स के बारे में आप पहले बता चुके हैं, इट इज़ वेरी गुड इन टेस्ट, और ये फर्स्ट कंपनी है मैं दोबारा कहूँगा कि जो फुल होल ऑफ फ्रूट जैम बनाते हैं, जो हम इंडियन जैम्स किसान के खाते हैं वो जली जाती हैं, ये प्रॉपर फ्रूट्स हैं, इनमें आपको प्रॉपर फ्रूट्स मिलेंगे, देयर इज नो कलर, नो शुगर, नो प्रिजर्वेटिव। सर चुक क्या होता है? चुक मैम मिर्च को बोलते हैं, चंबा की लैंग्वेज में चुक को मिर्च को बोला जाता है, और इनकी रेसिपी है, स्पेशल चुक में आपको गार्लिक का पेस्ट मिलेगा, जिंजर का पेस्ट मिलेगा, चिली का पेस्ट मिलेगा, लेमन जूस, तो खाने में स्पाइसी है, इट इज वेरी गुड टेस्ट। ओके, सो इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है? मैम सभी चीजें खाते हैं, मेरे घर पे बच्चे हैं वो जैम बड़ा पसंद करते हैं, होममेड जैम्स हैं, पर्सनली मेरे बच्चों को केप गूसबेरी का जैम आता है, दैट इज वेरी गुड, वो बहुत पसंद करते हैं, मेरी बेटी है वो टोमेटो की चटनी इनकी आती है खट्टी मीठी, वो बहुत पसंद करती है जी बिल्कुल, और हम लोग कभी ओकेजनली वाइन वगैरह ट्राई कर लेते हैं, तो इट इज़ वेरी गुड। ओके, तो ये जो वाइन है ये लोकली ये भी हैंडमेड बनाई जाती है? हाँ जी मैम, सारी हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, जैम्स भी हैं, जूसेस भी हैं, सारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे जी, और पूरी पूरी हाइजेनिक तरीके से बनते हैं सारे के सारे जी। सर, आप इनका आप रेट बताएंगे कितना कितना प्राइस, क्योंकि हम चाहते हैं हम अपने व्यूअर्स को ये भी बता पाए कि अगर ये आ रहे तो किस रेट पे लेके जाए। मैम वाइन्स के लिए तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सब्सिडी दे रखी है, आपको वाइन्स यहाँ पे बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल जाएंगी। 350 से हमारी वाइन स्टार्ट है, अप टू 550 तक है, जैसे एप्पल प्लम पेयर वाइन लेंगे आप HPMC की, तो वो 350 की रेंज में है।
350 से यहाँ पे वाइन बड़ी सस्ती है और क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट ने लोकल वाइनीज को प्रमोट करने के लिए वाइन के लोकल लाइसेंस दे रखे हैं। वी कांट सेल आउट ऑफ स्टेट वाइन्स, और ये वाइन्स आउट ऑफ स्टेट आपको नहीं मिलेंगी। सारी की सारी वाइन्स हिमाचल में बनती हैं और यहीं पर बिकती हैं। जितनी भी वाइन की यूनिट्स हैं सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंडर आती हैं। स्मॉल यानी कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जिसमें चाहिए मिंचेस ग्रुप आता है, हमारा लोकल है यहाँ का। ये जूसेस बनाते हैं, इसे 100% प्योर ऑर्गेनिक जूस बनाते हैं। नो कलर, नो शुगर, नो प्रिजर्वेटिव, पर इनके एप्पल साइडर विनेगर आते हैं। लोग इसलिए लेके जाते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर इज़ गुड फॉर हेल्थ। और लोकल फिर ग्रीन टीज आती हैं कांगड़ा से, क्योंकि हिमाचल में सिर्फ कांगड़ा ही एक जगह है जहाँ पे टी गार्डन्स है, तो लोकल टीज वहाँ से काफ़ी आती हैं। जूसेज आते हैं, जैम्स आते हैं, और जो भूरा के स्पेशल जैम्स हम बता रहे हैं आपको, ये एक भूरा एक गाँव का नाम है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, तो इसकी ऑनर है, उन्होंने लोकल सारी की सारी यानी कि गाँव की लेडीज़ को इकट्ठा करके ये छोटी सी यूनिट रन करी थी इन अर्ली 20s। तो आफ्टर डैट ये बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करता गया। इट्स अ ब्रांड भूरा जैम्स, एंड इट्स अ फर्स्ट इंडियन कंपनी जो विदाउट प्रिजर्वेटिव जैम्स बनाती हैं और फुल ऑफ फ्रूट जैम्स बनाती हैं। जैसे लोकल वाइन्स में फ्रूट वाइन में एप्पल वाइन इज देयर, ऑरेंज वाइन यहाँ पे है हमारे पास, कल्पा रेड वाइन यहाँ पर है, देन देयर रोज वाइन यहाँ पे है, प्लम वाइन मिल जाएगी आपको, रोडोडेंड्रॉन वाइन है यहाँ पे, मैंगो वाइन है, ये सारी वाइन आपको मिल जाएंगी। कीवी वाइन भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे जी बिल्कुल। ये सारी प्रोडक्शन सारी की सारी लोकल है जो HPCMC कर रहा है, ये वाइन्स में है। उसके अलावा मैम आप आगे आएंगे तो आपको यहाँ पे लोकल हमारी यहाँ की ग्रीन टी मिल जाएंगी जो पालमपुर से आती है। उसके बाद ग्रीन कॉफी बीन्स मिल जाएंगी आपको, ग्रीन कॉफी के पाउडर्स मिल जाएंगे आपको। फिर पिकल्स की रेंज काफी आती है मैम, पिकल्स में लोकल लुंगड़ू का पिकल आता है, लिंगर पिकल जिसको कहते हैं, वो मिल जाएगा। लिंगर क्या होता है सर? लिंगर काइंड ऑफ मैम बीन्स की तरह एक सब्जी होती है। हाँ जी। उसका पिकल बनता है। अच्छा, ये हिमाचल में ग्रो होता है? हिमाचल में ग्रो होता है मैम। फिर लोकल गार्लिक पिकल मिल जाएगा, गार्लिक यहाँ पे काफी ग्रो होता है। बैम्बू शूट पिकल मिल जाएगा आपको, करेला पिकल मिल जाएगा, गार्लिक पिकल। फिर लोकल यहाँ पे एप्पल के चिप्स बने, अभी स्टार्ट हुए, रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं, तो एप्पल के चिप्स भी बन रहे हैं यहाँ पे। फिर आपको लोटस स्टीम का पिकल मिल जाएगा, मैंगो चटनी इज देयर, एप्पल चटनी इज देयर, ड्राई डेट एंड जिंजर पिकल इज देयर, ओनली जिंजर पिकल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये पिकल्स की और भी बहुत सारी रेंज है जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा आपको भूरा के होममेड जैम्स मिल जाएंगे सारे के सारे, जिसके बारे में आपको बताया था। उसमें स्पेशली आपको 3 फ्रूट मामलेट मिल जाएंगे, बिटर ऑरेंज मामलेट मिल जाएगा, देन देयर इज एप्रिकॉट जैम, पीच जैम, गुआवा जेली, सिनेमन एप्पल जेली, ब्लैक ग्रेप का जैम मिल जाएगा आपको, स्ट्रॉबेरी जैम है, केप गूजबेरी का जैम है, ब्लैक चेरी का जैम मिल जाएगा आपको। उसके अलावा फिर कीवी जैम है। फिर इनकी 4 तरह की भूरा की चटनीज आती हैं, टमाटो चटनी इज देयर, मैंगो चटनी है, स्पाइसी प्लम चटनी है, एंड पी चिली चटनी है। उसके अलावा फिर आपको एक और लोकल कंपनी यहाँ पे अभी इंट्रोड्यूस हुई है पीच हट के नाम से, ये भी सारे होममेड पिकल्स और जैम्स बना रहे हैं, इनमें भी कोई कलर एंड प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं है। आफ्टर डैट फिर यहाँ पे आपको एप्पल साइडर विनेगर मिल जाएगा, इससे 100% ऑर्गेनिक नॉन फिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर है ये। ये सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो गाइस, ये सारे प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिवली यहीं पर ही बनते हैं, यहीं के लोग यहाँ पर इसको बनाते हैं। जैसे कि हैप्पी माउंटेन वुमेन है, एक NGO है जो भूरा की कंपनी के पीछे जो लोग औरतें हैं वो लोग चलाती हैं, वो लोग अपने खुद अपने हाथ से इसी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, और इवन इनके कॉस्ट भी कम है कंपैरेटिवली, जो अगर हम दिल्ली से लेंगे तो इसके कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन अगर आप हिमाचल में आके ये सारी चीज़ें ले रहे हैं तो आपको प्योर ऑथेंटिक और इनका सबसे बेस्ट मटीरियल, बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट हिमाचल के एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स। तो जब भी आप यहाँ पर आए हिमाचल में, तो आप HPMC से ज़रूर यहाँ के प्रोडक्ट्स ले, बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस परसेंटेज गोज टू यहाँ के लोकल पीपल, और यहाँ के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और कल्चर को प्रमोट मिलता है। तो इसी के साथ हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू विजिट हिमाचल प्रदेश एट वंस। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। साथ ही सर के यहाँ पे 2 बच्चे भी हैं, विराज एंड आराध्या। तो विराज एंड आराध्या, आपको क्या प्रोडक्ट पसंद है यहाँ से? मिक्स फ्रूट जैम। एंड आपको? मिक्स फ्रूट जैम। ओके ओके, तो फिर ये तो क्यूट से बच्चे हैं, तो एक बार हमारे साथ मिलकर कल्चर बॉक्स बोलोगे? ठीक है, 1 2 3 कल्चर बॉक्स।
दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड और शुक्रिया कि आप हमारे सीरीज में इतने अच्छे से बने रहे। तो आने वाले ब्लॉग में हम आपको ले चलेंगे कुफरी और दिखाएंगे वहाँ की कुछ सीनिक ब्यूटी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बी सेफ।